हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करेंगे काफ़ी अच्छे होंगे। क्या आप अभी आईपीएल में लॉस में हो? आईपीएल को देखो, 50 मैच लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप अभी भी लॉस में हो तो आपने बहुत सी गलतियां की होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लॉस कवर कैसे कर सकते हो। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जितना भी लॉस में हो वो कवर कर लोगे। ये पूरी वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी आपको कवर कराने में काफ़ी मदद करूंगा, वो भी फ्री में। अगर हम बात करें दोस्तों पूरे आईपीएल की, तो टोटल 74 मैचेस होते हैं, जो उसमें स्टार्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो बुक्की के मैच होंगे और एंडिंग में भी बुक्की के मैच होंगे। बस आपको जीतने का मौका कब मिलता है? मिडिल के मैचेस में मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट के कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा जैकपॉट मिला, चाहे वो हाइएस्ट रन चेस हुआ हो पंजाब के द्वारा, काफ़ी अच्छा जैकपॉट था, या फिर चेन्नई के खिलाफ स्टोनिस ने जो मार के चेस किया वो भी काफ़ी अच्छा था, संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल ने जो चेस किया वो भी काफी अच्छा जैकपॉट था। तो कंटिन्यू आपको जैकपॉट देखने को मिले होंगे, क्योंकि मिडिल में ही जैकपॉट मिलता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, स्टार्टिंग में जो भी पंटर जितना लिमिट लेके आता है उसका ज्यादातर भाग बुकी हरवा देते हैं उसे, तो कुछ बचता है, उसी कुछ ही से वो धीरे धीरे खेलता है, अपनी लिमिट को कम कर लेता है। तो वो अगर कम लिमिट से जीतेगा भी तो कितना ही जीतेगा, थोड़ा बहुत जीत पाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब वो थोड़ा भी बहुत कर लेता है तो लास्टिंग में पूरे उसे हरवा के पूरे पैसा बुकी हड़प लेता है। तो इस तरह से बुकी का प्लान होता है। आप किसी भी लीग में ये देख लेना, यही फॉर्मूला अपनाओगे। और देखना, जब 10 मैच होते हैं तो उसमें वो आपको जीतने का बराबर मौका देता है। 5 मैच पंटर के कराएगा, 5 मैच बुकी के कराएगा, लेकिन आप फिर भी हारोगे, क्योंकि इसके पीछे भी पूरी प्लानिंग होती है। कंटिन्यू 2 मैच पंटर के हो जाएंगे और आप जितना जीते होगे फिर 3 मैच बुकी का करवा के वो पूरा लूट लेगा। और क्या होता है ना, जब पंटर का मैच होता है तो भी आप नहीं जीत पाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पंटर मैच में भी कई भाई लॉस कट बुक सेट नहीं करते और घोड़ा उड़ जाता है, तो एक अलग ही दुख लगता है। पहला दुख तो ये कि हमने जैकपॉट नहीं पकड़ा, दूसरा दुख ये कि जो टीम हमने पकड़ी थी उसमें लॉस कट बुक सेट नहीं किया। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए वो 5 तरीके लेके आया हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप 10 लिमिट को कन्फर्म कवर कर लोगे। अगर आपके पास 3 लिमिट है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आईपीएल खत्म होते होते तक, अभी मान लीजिए 24 मैच बचा है, तो वो वीडियो को मैं 24 मैचेस का सोच के बना रहा हूँ। तो अगर आपने जल्दी वीडियो देख लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो फिर कम मैचेस में होगा, मगर होगा जरूर, कुछ कम कवर होगा आपका। तो देखिए, 24 मैचेस बचे हैं, तो उसमें पहला आपको क्या करना है कि सेशन को आप अवॉइड करना है, आप सेशन नहीं खेलना है। अगर आप सेशन में जीत चुके होते तो अभी तक 50 मैच में आप जीत लिए होते, लेकिन आप सेशन में नहीं जीत पाए हो, तो इसका मतलब है कि अगर आपको अब सेशन नहीं खेलना है, अब जो पूरा फोकस करना है वो 24 मैच पे करना है। तो अब आपके पास जितने भी पैसे बचे हैं, हो सकता है अगर आप 10,000 से खेलते हो तो आपके पास 20,000 ही बचा होगा, या फिर आप 1,000 से खेलते हो तो 2,000 बचा होगा। जितना भी खेलते हो उसका 1-2 लिमिट तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखो मिस्टेक अभी भी हो सकता है। हो सकता है आप 1 ही लिमिट बचा हो और आप खेलो और हार जाओ, तो फिर आप कवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें कवर करना भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है जो आपके पास बचा हो वो भी हार जाओगे। देखो भाई, ये सच बात है, मैं आपको कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आप 1 लिमिट लेके आए हो तो पूरा कवर करके जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला टिप यही है कि आप सेशन और कुछ भी फैंटेसी मत खेलो, पूरा फोकस अपना जो भी पैसा है वो मैच पे करो। अब देखो उसे क्या करना है, आपके पास जितना बचा है उसको 3 में बांट लो, यानी कि अगर आपके पास 12,000 है तो उसे 4,000 करके लिमिट बना लो, अगर आपके पास 20,000 है तो उसे 3 में डिवाइड कर लो, 15,000 है तो 5,000 करके 3 लिमिट बना लो, ठीक है? जिससे अगर आप 3 लिमिट कर लोगे तो आपकी काफ़ी आगे मदद होगी। अब मान लो हमें 10 लिमिट कवर करना है, एक टारगेट सेट करो कि हमें कितना कवर करना है, आप कितना लॉस में हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा भी मत कर लेना, नहीं तो हो नहीं पाएगा। एक अच्छा खासा टारगेट सेट करना, जैसे 24 मैचेस के लिए मैंने 10 लिमिट सेट करके रखा है, तो 10 लिमिट को अगर कवर करना है तो हमें हर मैच में लगभग 0.41 लिमिट प्लस होना होगा। तो देखो टारगेट कितना छोटा लग रहा है, हर मैच में 0.41 लिमिट प्लस होना काफ़ी सिंपल है। अगर जैकपॉट मैच बन जाए तो इससे 5, 6, 6 गुना या 10 गुना भी हम प्लस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी सिंपल है। टारगेट को पहले छोटा पार्टों में बांट लीजिए, प्लानिंग करिए अच्छे से, और पार्ट बाय पार्ट एकदम अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी जितने जैकपॉट मैच होंगे मैंने आपको सारे कराए हैं, चाहे वो स्टोनिस वाला हो या फिर जितना भी जैकपॉट मैच हो मैंने आपको कराए हैं, और एंट्री भी देता हूँ कि अब यहाँ जैकपॉट पकड़ो और ये जैकपॉट मैच बनेगा, ठीक है? तो उस तरह आपको तरह खेलना है। तो दोस्तों देखिए, अभी बचा है 24 मैच, जिसमें से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ 3-4 मैच तो एकदम 20-22 पैसे का जैकपॉट मैच बनेगा, और अगर आप उसे पकड़ते हो तो आप अपना सारा लॉस कवर कर पाओगे, और नहीं पकड़ते हो तो लॉस कवर करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कन्फर्म उसे पकड़ने का ट्राई करिए। आप जैकपॉट कैसे पकड़ पाओगे ये तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन रखिए, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप खुद भी पकड़ सकते हैं।
और काफी इजी होता है पकड़ना। देखो कैसे पकड़ते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। देखो 10 मैच होगा ना तो 3 मिनी जैकपॉट बनेगा और 2 में जैकपॉट बनेगा, ठीक है। अब जैकपॉट कब होता है, जब मार्केट लॉस में होती है। तो जैसे मैं आपकी अभी का एग्जांपल लेता हूँ, देखिए 3 मैच से कंटिन्यू बुकी मैच हुए हैं। कल मैच था मुंबई और लखनऊ का मैच था, जिसमें लखनऊ जीत गई, मुंबई वन साइडेड हार गई। उससे पहले भी जो चेन्नई और हैदराबाद का था तो उसमें चेन्नई वन साइडेड जीती थी, और उससे पहले भी एक मैच था वो भी बुकी का हुआ था। तो अब मार्केट लॉस में हो गई है, तो अब एक अच्छा जैकपॉट मैच बनता है, वो जैकपॉट मैच उड़ेगा। अब उड़ेगा तो आपको कैसे कैच करना है, ये भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन टीम पे उड़ेगा। तो वो पंटर टीम पे उड़ता है दोस्तों। अब पंटर टीम, बुकी टीम, ये काफी बड़ी बातें हो जाएंगी, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, मैं आपको अच्छे से कैच करवा दूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बाकी टेलीग्राम में आपने ज्वाइन किया होगा, आपको बहुत सारे पैसे मांगे जाते होंगे, 2000 दे दो, 3000 दे दो एक मैच के, और पैसे लेने के बाद भी हरवा देते होंगे। लेकिन यहाँ पर एकदम फ्री में काम होता है, और काम क्या लेवल का होता है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देखिए। जो भाई जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि काम किस लेवल का होता है, 5-6 सालों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी तरह करना है, 10 मैच में 3 मैच जैकपॉट बनेगा मिनी जैकपॉट, और 2 मैच अच्छा जैकपॉट बनेगा। तो अगर आप ये 3 टिप्स को फॉलो करोगे तो अच्छा जीतोगे। अब चलते हैं हमारे चौथे नंबर टिप्स की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है हमारा। वो टिप्स है नॉर्मल मैच टारगेट ऑन परसेंटेज। तो दोस्तों आपको ये समझाता हूँ कि देखो एक मैच में ना आप ये कभी मत सोच के रखो, अगर नॉर्मल मैच होता है वो, तो कभी ये मत सोचो कि जितना लगाऊंगा उससे ज़्यादा जीतूंगा। अब क्या होता है ना, देखो जो भाई पंटर कम खेलता है, यानी कि 1000-2000 का खेलता है, तो उसे तो ये समझ नहीं आता, 1000 लगा के वो सोचता 2000 जीतूंगा। तो ये अगर परसेंटेज में देखोगे तो 200% का टारगेट रख रहा होता है, तो कहाँ से जीत पाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये छोटे पंटर्स के साथ ही आती है, जो 500 का खेलेंगे वो कभी चाहेगा कि 200 रुपये जीतूँ, वो तो नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा 1000 जीतूँ, 2000 जीतूँ, यानी कि 200%, 400%, तो टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाता है। जो भाई बड़ा खेलते हैं उनके लिए थोड़ा कम प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुश हो जाएंगे। जो 1 लाख का खेलेगा वो 50,000 जीत के भी खुश होगा, लेकिन जो भाई 500 का खेलेगा वो 250 रुपये जीत के खुश नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है छोटे भाइयों को। देखो भाई अगर आप कम खेलते हो तो आप कम ही जीतोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 500 लगा के 5000 जीत जाओगे, 2000 जीत जाओगे। ऐसा जैकपॉट मैच में जरूर होगा, मगर वो भी 10 में 20 में एक बार होगा, ठीक है। अब कैश आउट कर लेना भाई। अब ये क्या होता है, अब जो भी छोटे भाई होते हैं वो भी यही गलती करते हैं कि छोड़ देते हैं। छोटे तो छोड़ो, बड़े बड़े पंटर भी गलती कर देते हैं। जब लगता है टीम मैच जीत गई है तो अब उन्हें लगता है अब तो चेस हो जाएगा, लेकिन जैकपॉट बन गया तो दो दुख ही में रहोगे कि एक जैकपॉट नहीं पकड़ पाए, इसका दुख अलग रहेगा आपको, और दूसरा दुख तो ये रहेगा कि लॉस कट नहीं किया और उसे लॉस हो गया। तो यहाँ पर एक और नुकसान होता है। अब मान लीजिए आज का मैच जैकपॉट बन गया और आपने उसे कैच नहीं किया, यानी कि कल जो होगा वो जैकपॉट मैच होने के चांसेस ऐसे ही कम है, यानी कि आज तो हारे ही हारे कल भी हारोगे। तो देख रहे हो कितना तरह से एकदम प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा साइकोलॉजी गेम है दोस्तों ये। अगर आप इसको ध्यान से नहीं खेलोगे तो आप हमेशा हारोगे। तो इसके लिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और आपको जिस टॉपिक पे मैच चाहिए कि जैकपॉट कब बनेगा, पंटर टीम, बुकी टीम, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, बस कमेंट करिए, मैं आपको उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू।